पॉपुलर कॉमेडी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसी बीच हाल ही के एक एपिसोड में जेठालाल का कई सालों का सपना पूरा हुआ है। जेठालाल जो कि बबीता जी को काफी चाहते हैं, जेठालाल की कई दिनों से हसरत थी कि बबीता जी उनको प्यार से गले लगा लें। जेठालाल की यह हसरत हाल ही में प्रसारित हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 3740वें एपिसोड में पूरी हो गई। इस एपिसोड में बबीता जी ने जेठालाल को उत्साह में आकर गले लगा लिया है। बबीता जी के गले लगाने पर जेठालाल काफी खुश हो गए हैं। जेठालाल की यह खुशी फैंस को भी पसंद आ रही है। फैंस को भी जेठालाल और बबीता का गले लगना काफी अच्छा लग रहा है। फैंस इस गले लगने वाले वीडियो को ट्विटर पर काफी ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करके फैंस जेठालाल और बबीता जी के इस मिलन पर मजेदार ट्वीट भी कर रहे हैं। एक फैन ने बबीता जी और जेठालाल के मिलने पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आखिरकार बबीता जी ने जेठालाल को गले लगा ही लिया। हालांकि एक फैन बबीता जी और जेठालाल के गले मिलने से नाराज भी हो गया। इस फैन ने गुस्से में ट्वीट करते हुए लिखा है कि बबीता जी ने जेठा को गले लगाया जब अय्यर नहीं थे। कभी भी अय्यर को बबीता ने अब तक के शो में गले नहीं लगाया। इतनी छोटी और अपमानजनक सोच। मैं एक दूसरे को गले लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इरादे स्पष्ट रूप से रेसिस्ट हैं। लेकिन ज्यादातर फैन इस बात से खुश हैं। इसी खुशी को जाहिर करते हुए एक दूसरे फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आखिरकार जेठालाल को मिल गया जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। वहीं एक और फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि OMG, बबीता जी ने जेठालाल को गले लगाया। जेठालाल को बबीता जी ने गले लगा लिया। यह एक जेठाडे है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।